कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे मेटल के मार्केट के बारे में। एलएमई एमसीएस में आज फिजिकल बाजारों में गिरावट दर्ज करी गई है। एलएमई एमसीएस के बाजार में गिरावट दर्ज करी गई है। दिल्ली मुंबई का जो फिजिकल बाजार है, स्पॉट मार्केट है, यहाँ पर भी बाजारों में आपको आज के दिन गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिलेगा। वजह क्या है गिरावट आने की और मार्केट में कितनी गिरावट आई है, पूरी आपको विस्तार से चीज की जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो मेटल के मार्केट से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तांबे का जो वायदा है वो सितंबर की शुरुआत में $4 प्रति पाउंड तक गिर गया। इस महीने अब तक लगभग इसमें 3% तक की गिरावट दर्ज करी गई है। लेकिन कमजोर अमेरिकी विनिर्माण डेटा के बाद मंदी की आशंका फिर से बढ़ती हुई नजर आई है। अमेरिकी मंदी की संभावना उन्हें तांबे जैसी सामग्रियों की मांग के दृष्टिकोण को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई खनन दिग्गज BHP ग्रुप ने हाल में ही देश के आर्थिक सुधार के बारे में चिंताओं के बीच चीन के तांबे की मांग के लिए अपने पूर्वानुमान को कम कर दिया। और इस बीच इस उम्मीद से अगर देखा जाए तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व इस महीने ब्याज दरों में कटौती भी शुरू कर देगा और कमोडिटी की कीमतों को इससे कुछ समर्थन जरूर मिल सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो तांबे का जो बाजार है यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तांबे के बाजार में मार्केट में गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। अब बात करते हैं एलएमई एमसीएस में बाजारों में आज क्या कीमतें देखी जा रही हैं। कॉपर में रेट एलमी में 8,960 है। एमसीएस का रेट 782.30 देखा जा रहा है। एल्यूमिनियम के बाजार में 2,394 रुपए का रेट एलमी में है। 220.85 का रेट एमसीएस में चल रहा है। लेड के बाजार में 2,010 रुपए का रेट एलमी में है। 182.60 का रेट एमसीएस में है। जिंक के बाजार में 2,773 रुपए का रेट एलमी में चल रहा है। 258.90 का रेट एमसीएक्स में है। सोने के बाजार में 2,525.40 का रेट कॉमिक्स में और 71,455 रुपए का एमसीएक्स के मार्केट में आप रेट देखकर चल सकते हैं। चांदी का जो रेट है बाजार में, कीमतें जो चांदी की हैं वो 28.60 कॉमिक्स में है। 83,737 रुपए एमसीएक्स का रेट चल रहा है। क्रूड ऑयल के मार्केट में जो देखा जा रहा है बाजारों में रेट वो 69.40 है कॉमिक्स के मार्केट में और 5,855 रुपए का एमसीएक्स के बाजारों में रेट चल रहा है। दिल्ली के फिजिकल बाजार के बारे में अगर बात करते हैं, इसके अलावा तो कॉपर एल्युमिनियम पीतल के बाजार में मार्केट में आज के दिन आपको गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। कॉपर के बाजार में कॉपर केबल स्क्रैप में कीमतें 794 है। कॉपर आर्मेचर में रेट 782 है। एल्युमिनियम के बाजार में एल्युमिनियम बर्तन में कीमतें 183 है। एल्युमिनियम पुर्जे का रेट 176 है। जिंक के बाजार में जिंक हिंदुस्तान में कीमतें 266 है। लेड में रेट 187 है। LIBT में रेट 206 चल रहा है। बैटरी स्क्रैप में कीमतें 100/120 है। निकल का जो आज का रेट है वो 1400 है। टिन में कीमतें 2675 है और पीतल में आप 523 रुपए तक का बाजारों में यहां से रेट देखकर चल सकते हैं। पीतल के मार्केट में लगातार गिरावट देखी जा रही है। SS बर्तन स्क्रैप में भी बाजारों में 64 रुपए तक का आपको यहां से आज के दिन कारोबार देखने को मिल सकता है। दिल्ली के मार्केट के बाद अगर मुंबई के बाजार के बारे में अगर बात करते हैं, फिजिकल बाजार के बारे में अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। मुंबई का जो फिजिकल मार्केट है यहाँ पर कॉपर केबल स्क्रैप में कीमतें 775 है। कॉपर आर्मेचर में रेट 760 है। ब्रास स्क्रैप में कीमतें 520 चल रही है। एल्युमिनियम स्क्रैप में रेट 195 है। जिंक बाजार में जिंक इंगट में कीमतें 265 है। लेड में रेट लेड इंगट का 190 है। टिन इंगट में कीमतें 2,696 चल रही है। निकल का आपको यहाँ से रेट 1,408 रुपए बाजारों में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड बाजारों में आज के दिन आपको यहाँ से डाउन देखने को मिलेगा, नेगेटिव ट्रेंड देखा जा रहा है बाजारों में। आप इसके अलावा खबरों में आगे बात करेंगे कि ट्रेडिंग रेंज क्या चल रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल क्या देखा जा रहा है, आपको विस्तार से खबरों में आगे इस बारे में बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको जानना है कि किस तरह से कारोबार देखा जाएगा मेटल के मार्केट में सितंबर के पूरे महीने में, कैसा कामकाज देखा जा सकता है, तो इसके लिए आप हमारा 9:30 वाला लाइव सेशन ज्वाइन कर लीजिए जो कि मंडे टू फ्राइडे होता है। उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर QR कोड जो शो हो रहा है उस पर भी आप स्कैन करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग रेंज के बारे में। तो कॉपर के लेवल में एक अच्छा सपोर्ट का अगर आप लेवल देखेंगे कॉपर में, तो 770 रुपए का सपोर्ट अच्छा है। रेजिस्टेंस लेवल 788 है। लेड के बाजार में 186 रुपए तक का एक अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस लेवल 188 है। जिंक के बाजार में 264 रुपए का सपोर्ट का एक अच्छा लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल 270 है। निकल के बाजार में 1380 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल 1420 है। ओवरऑल आज के दिन आपको यहां से जो कारोबार देखने को मिलेगा, ट्रेंड देखने को मिलेगा, वो डाउन है।
बहुत ज्यादा बाजारों में भी तेजी दर्ज नहीं करी जा रही है। विदेशी मार्केट को देखते हुए घरेलू बाजारों में भी गिरावट के साथ ही कारोबार आज के दिन देखा गया है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।